मेरे दोस्त की पत्नी मुझसे छुप कर रहती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर मुझे खाने पर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत सी पायल ले गया। घर वापस आया तो अपनी पत्नी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही उसके घर के अंदर पैर रखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो आज फिर से मेरा दोस्त मेरे सर पर खड़ा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ श्याम के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मुझसे छुप छुप कर रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी वजह से उसकी पत्नी परेशान होती है, मगर ना जाने क्यों ये सब श्याम को नहीं दिखता था। वह ज़बरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने साथ घर जरूर ले जाता। मैं और श्याम एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। मैं बोला, नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। श्याम कहने लगा, क्यों, वजह बताओ, जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते हो। मैंने सोचा कि इस तरह से ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना कर लेता हूँ। मैंने बोला, नहीं यार, ये बात नहीं, मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है, शायद मैं घर वापस लेट ही पहुँचूंगा। श्याम हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। मेरे मम्मी पापा गांव वाले घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी पत्नी ऑफिस के काम से क्वार्टर लेकर यहां रहा करते थे। खैर, मैं शाम से जान छुड़वा कर अपने घर आ गया था, मगर ये देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और पूनम की शादी को 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से वापस लौटता तो मेरी पत्नी को घर ही पाया था। उसका यूं घर से गायब होना मामूली सी बात नहीं थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, मेरी पत्नी कहाँ गई, कुछ बता कर गई है? चौकीदार ने नहीं में सर हिला दिया और बोला, साहब जी, मालकिन तो हमेशा घर से जाती हैं, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर दंग रह गया था कि वह क्या कह रहा था, मेरी पत्नी हमेशा घर से जाती है, आखिर क्यों घर से बाहर जाती थी और मुझे इस बात को बताई क्यों नहीं थी। मैं बोला, क्या मतलब, हमेशा कहाँ जाती है? वह बोला, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब मालकिन आ जाएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिलाकर वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती थी? 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर श्याम ने फ़ोन किया कि पापा का चेकअप हो गया क्या, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं बोला, नहीं यार, आज पापा ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। श्याम की आवाज़ घबराई हुई थी। वह बोला, क्या कह रहे हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि पापा का चेकअप करवाना है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? श्याम की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए गुस्से से बोला, पापा के जाने से मना कर दिया तो क्या मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी पत्नी कमरे में आ गई थी। वह बहुत घबराई हुई थी, कहने लगी, राम सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बड़े गौर से पूनम का चेहरा देखने लगा था। वह कोई डरी सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, पूनम तुम कहाँ गई थी? वह नज़र चुरा कर बोली, पड़ोसन की बेटी से मेरी बहुत दोस्ती हो गई है। मैंने सर हिला दिया और उसे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नज़रें चुरा कर बात करे। पूनम ने खाने का इंतजाम किया था, हम खाना खाने बैठ गए थे। फिर पूनम बोली, राम, आप तो आज पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, क्या हुआ फिर? मैं पूनम की बात सुनकर सोचता रह गया था, क्योंकि मेरा पापा को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे ही कर ली थी, ताकि श्याम के साथ उसके घर ना जाना पड़े और उसकी पत्नी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने पूनम की तरफ देख कर बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि पापा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वह डर गई थी। फिर बोली, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप पापा को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज पूनम बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी।
चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी पत्नी कहाँ जाती थी? फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी पड़ोसन के घर जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी उससे शादी को 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पूनम मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी और हम दोनों ही मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। पूनम तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। शादी से पहले ही पूनम ने मेरे साथ निभाई थी। अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो सामने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चला गया, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बातें सुनाई? आपके दोस्तों को घर आना नहीं है और आप मुझे झूठ में परेशान करते हैं। मैं बोला, यार शाम मैं भाभी का ख्याल करके नहीं आया था। वह छुप छुप कर रहती हैं। जब मैं आपके घर आता हूँ तो उन्हें चेहरा छुपा के रहना पड़ता है। मुझे भाभी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता यार। मेरी पत्नी बस तुमसे छुप छुप कर नहीं रहती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वह छुप छुप कर रहती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूँ? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। श्याम मेरी बात सुनकर हंसने लगा। वह बोला, अरे यार मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, लगता है पूनम भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो, जबकि मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि श्याम मेहमानों को खाना खिलाना अच्छी बात है। मैं श्याम की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था। यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। श्याम मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि श्याम की पत्नी अब उसे मेरी दावत देने से रोकेगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। एक बार फिर कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं सोचकर हैरान होता कि भाभी को कैसे पता कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर जब श्याम ने बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में श्याम से बस मुझसे ही दोस्ती थी, मेरे अलावा उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था, जबकि मेरे इनकार करने पर तो वह मुझसे गुस्सा हो जाया करता था। खैर मैं उसके साथ घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई थी, उसने काले रंग का कपड़ा पहने हुए थे और चेहरे भी पूरे तौर से ढका हुआ था। मैं भाभी के सामने अपनी आंखें नहीं उठाता था, मगर फिर भी जब कोई चीज़ लाकर रखती तो बर्तनों की आवाज़ से साफ पता चल जाता कि बर्तन रखने वाले की हाथ कब कब आ रहे हैं। खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तभी मुझे पूनम का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान होगी, मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर श्याम के मुँह से निवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास दिया था, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। राम, अगर तुम छोटी छोटी बात पर भाभी को फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। उनको ज़रा अपना इंतज़ार करने दो, इंतज़ार से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंसा और बोला, बस बस अपने बहस अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही मोहब्बत है। श्याम के चेहरे पर मुस्कुराहट एक लहमे के लिए फीकी पड़ गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और पूनम के नंबर डायल कर दिया था। बेल बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूनम का मोबाइल किचन में बज रहा हो, मगर अब आवाज़ रुक गई थी। मैंने फिर से फ़ोन किया और बोला, पूनम कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वह कहने लगी, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो घर पर मैं ही हूँ, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, दरअसल मैं श्याम के घर आया हूँ, मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। पूनम ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाने से फ्री होकर मैं जल्दी घर आ गया था। मैं घर में घुसने लगा तो मैंने चौकीदार से बोला, साहब क्या आज मालकिन कहीं गई थी? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान हो गया कि मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया था तो वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वह मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो पूनम मुँह फुलाकर बैठी हुई थी। उसके सामने आकर बैठ गया और बोला,
क्या बात है पूनम, तुम गुस्से में लग रही हो। वह गुस्से में बोली, क्या मुझे रूठने का भी हक नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त के घर कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को देखकर बोला, पूनम ऐसा होता है, इंसान को हर आदमी अपने जैसा ही लगता है। धोखा वह खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। पूनम का चेहरा फीका पड़ गया था। वह घबरा कर हुए बोली, क्या मतलब आपका? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंसा और बोला, यार मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज़ गले में फंस गई थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मुझे तो आप पर आश्चर्य हो रहा है कि आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैंने पूनम का हाथ पकड़ लिया और बोला, पूनम जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाता है तो क्या होता है? पूनम कहने लगी, ये गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे का राजदार होते हैं, उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है, या ये कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी पत्नी बौखला गई थी, अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। कहने लगी, ना जाने श्याम के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वह सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती है कि राम, जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी, या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती है ना? मेरे सामने ऐसा झूठ क्यों बोलती है कि वह घर से बाहर जाती ही नहीं है? आज मैं पूनम के साथ इस तरह की घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वह घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वह तो उल्टा मुझे ही फंसा कर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि पूनम जहाँ जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मुझे जानना जरूरी था कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी पत्नी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगा लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलवा लिया। मैं बोला, साहब मालकिन किस वक्त घर से बाहर निकलती है? वह सोच में पड़ गया और बोला, जब आपकी ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वह घर से निकलती हैं, और ऐसा होता है कि उस दिन आप भी घर देर से वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले मालकिन वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का धन्यवाद किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार की बात से यही जाहिर होता है कि किसी न किसी तरह पूनम को पहले से ही इस बात का पता होता है कि मैं श्याम के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात ये थी कि जब मैं अपनी पत्नी को इस बात को नहीं बताता तो फिर उसे मेरे बारे में कौन खबर देता है? मुझे पूनम पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं इस बात पर तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि वह मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है, मगर फिर भी यह सब बातें मुझे परेशान कर रही थी और मुझे किसी न किसी नतीजे से जानना ही था। मैं उन दिनों बड़ा परेशान रहने लगा था। श्याम ने मेरा परेशान रहना समझ गया था। वह बोला, क्या बात है राम, आजकल तुम कुछ खोए खोए लगते हो। मैं उसे क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घूमता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस पापा की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता, और ये बात सच थी। श्याम कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था तो उसने बताया कि वह हर वक्त पापा के साथ रहता है और उन्हें बुरे कामों से रोकता है। पापा की दवाइयाँ भी बदली गई हैं मगर वह ठीक नहीं होते। श्याम बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान सब भला करे। तुम मेरे साथ चलो, हम मार्केट चलते हैं, मेरी पत्नी की सालगिरह है, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, और फिर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार मैं नहीं जा सकता। मगर वो श्याम कहाँ मेरी बात मानने वाला, वह तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कसम देने लगा था। मैं चिल्लाया और बोला कि क्या तुम छोटे बच्चों की तरह हरकत करते रहते हो, कभी कभार दूसरे की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। श्याम बोला, क्यों ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट खरीदना नहीं मालूम है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था, मगर सच बताऊँ तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह छिपकली की तरह मुझसे चिपक कर ही रह गया था। मैं तो उस दिन को
कोस रहा था जब मैं श्याम के साथ दोस्ती की थी। वह बहुत अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे की परेशानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह तो बस चाहता था कि उसकी बात सुनी जाए। मैं तो अपने घर से बहुत परेशान था और वह मेरी नाक पर दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त थे, उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता था। ना जाने वह बस मुझे हर जगह पर अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए। श्याम कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को पायल देना चाहता हूँ, तुम तो मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन लूँ। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा था। तभी मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत पायल पर पड़ी। वह इतनी खूबसूरत थी कि देखकर दिल खुश हो गया था। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। श्याम ने मेरी पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज पूनम घर पर ही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। पूनम मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी थी। वह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रही, जबकि मैं हूँ हाँ में जवाब देता। फिर वह बोली, आपकी दोस्ती श्याम के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि जब से मेरी और पूनम की शादी हुई थी, वह किसी न किसी तरह हर बात में श्याम को ज़रूर लाती थी और मुझसे उसके बारे में पूछती रहती थी। ना जाने क्यों श्याम में इस कदर दिलचस्पी लेती थी। मैं बोला, हमारी शादी के बाद ही मेरी उससे दोस्ती हुई थी। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त हैं, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया है। अब तो हर वक्त मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी मुझसे छुप छुप कर रहती है और मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर श्याम तो मेरी बात समझता ही नहीं, हर चीज़ में मुझसे ज़िद्द करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। पूनम जल्दी से बोली, किसी की मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुश नसीब इंसान वह होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। आज मैंने पूनम को श्याम के बारे में पूरी बात बता दी थी। तब पूनम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, राम, अगर आपको कभी पता चले कि श्याम ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? पूनम के ये सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस किस्म का की धोखा? बिजनेस के बारे में या जिंदगी के? पूनम बोली, जिंदगी में। मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल ले, जिसे आप बहुत दिल से चाहते हो, अगर उसको सामने छीन लिया तो आप क्या करेंगे? मुझे पूनम के ये सवाल ने बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया था। पूनम और श्याम की बहुत सी चीज़ एक दूसरे के साथ मिल रही थी, और अब उसका ये सवाल। मैंने बोला, पूनम जो चीज़ मेरी होगी वह कभी मुझे छोड़कर श्याम के पास नहीं जाएगी। पूनम फिर बोली, अगर ऐसा कभी हुआ तो आप श्याम के साथ क्या करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैं बेचैन होकर बात बदल दिया था और बोला, तुम क्या बुरी बात लेकर बैठ गई हो? उठो जाओ, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। पूनम कुछ कहे बिना किचन में चली गई। मैं अपने आप में ही सोचता रह गया। अब मैं चाहता था कि हर चीज़ मेरे सामने खुल जाए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज को जानने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे पूनम पर सख्ती करनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस रह लौटा तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि पूनम वही पायल पहनी हुई थी जो कल श्याम मेरे साथ जाकर अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। मैं उसको देखकर दंग रह गया। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि पूनम और श्याम का आपस में कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। मैं बोला, पूनम, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली है? यह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही हैं। पूनम मुस्कुराकर बोली, राम, आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अपने दोस्त के घर चली जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी हैं। मैंने सर हिला दिया था। अब मैं समझ गया था, इसलिए अगले दिन जब ऑफिस गया तो शाम से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने आऊँगा। अपनी पत्नी से कहो कि कुछ अच्छा बनाए। शाम खुश हो गया और उसने फौरन ही कहीं दूर जाकर अपनी पत्नी को फ़ोन कर बता दिया था। छुट्टी होने में जब एक घंटा रह गया तो मैं शाम से चोरी छुपे ऑफिस से निकल आया था और उसके घर चला गया। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर आसमान ही गिर पड़ा था, क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी पूनम बैठी थी। पूनम ने मुझे देखकर थरथर कांपने लगी थी। मैं आगे बढ़ा और बोला, पूनम, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? पूनम रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, राम, मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वह कहने लगी,
आप जानते हैं कि आपके चाचा के यहाँ दो जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई थी। दोनों एक तरह की थी और एक ही रंग की थी। नीलम के साथ आपकी मंगनी हो गई थी, वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की डेट तय हुई तो वह कुछ बेचैन सी हो गई। मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उससे बातें की और उससे पूछा, मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई और शादी के दिन नीलम घर से भाग गई थी। उसने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने यह बताया कि वह किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी के साथ विवाह करेगी। ये सब पढ़कर तो मेरे घर वालों पर मुसीबत टूट पड़ी। पापा मेरे आगे हाथ जोड़कर बोले, पूनम तुम मेरी इज्जत बचा लो, नीलम की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन के आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचा दिया कि नीलम हार्ट अटैक से मर गई। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे जीते जी मार दिया था। मैं तब से आज तक पूनम बनकर आपके साथ रह गई। एक दिन श्याम घर दावत पर आया था, मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वह मुझे नीलम की तरह होने से पहचान गया था। उसने घर जाकर नीलम से मेरा जिक्र किया तो नीलम ने मुझे कॉल की और हमसे बात होने लगी। और यूं श्याम आपको ज़बरदस्ती अपने घर इसलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और श्याम हॉल में बैठ जाते हैं, मैं और नीलम उसके कमरे में बैठकर बातें करते थे। फिर मैं आपसे पहले ही पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसलिए नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक घर ना आ जाएं। आप जानते हो मुझसे सवाल करते कि तुम कहाँ गई थी, तब मैं आपको क्या जवाब देती। जिस दिन आपको नीलम के घर जाना होता था, श्याम मुझे फ़ोन करके आपके पहले ही बुला लिया करता था। इस तरह आपको भी कभी पता नहीं चलता था। इतनी देर में नीलम भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो राम, मैं श्याम से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती और रहती आपके साथ तो ये बहुत गलत होता, इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको दीदी की शक्ल में मुझसे अच्छी पत्नी मिल गई। प्लीज़ मेरे किए का सजा दीदी को मत दीजिएगा। मैं पूनम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने पूनम का नीलम से बोलचाल बंद करा दिया, जबकि पूनम हर रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं श्याम और नीलम को माफ़ कर दूँ। मगर दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या श्याम और नीलम को माफ़ कर देना चाहिए या रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।